हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया पर है। तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने वर्टिबल कॉलम और वर्टिब्रे के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि बिना उसको देखे आपका आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बात करें, दिस क्लास एम्फीबिया इज डिवाइडेड इंटू टू सब क्लास। ठीक है, ये दो सब क्लास में आपका डिवाइडेड है। द सब क्लास फर्स्ट इज स्टीगोसिफेलिया, नेक्स्ट इज लीसा एम्फीबिया। तो आपका जो स्टीगोसिफेलिया क्लास है, सब क्लास है आपका स्टीगोसिफेलिया, दिस सब क्लास इज एक्सटिंक्ट, टोटली एक्सटिंक्ट। इसमें जितने भी आपके ऑर्डर और जितने भी आपके एनिमल आएंगे वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट अगर हम लोग लीसा एम्फीबिया में बात करें तो लीसा एम्फीबिया में आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें एम्फीबिया की जो ओरिजिन है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि वो डेवोनियन पीरियड में हुई थी और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो आपके एम्फीबिया थे वो काफी डोमिनेंट थे। कार्बोनिफेरस इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। और आपके जितने भी हायर क्लासेस हैं वर्टिब्रेट की, फिशेस, एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल, तो उसमें हम लोग देखें एम्फीबिया की जो संख्या है वो सबसे कम है। और कहा जाता है कि ड्यूरिंग द फाइलोजेनेटिक स्टडी इट इज अ ग्रेट इवेंट कि आपके जो भी फ्रेश एक्वेटिक वाटर एनिमल थे वो आपके टेरेस्ट्रियल में जो है कन्वर्ट हुए। मींस पहली बार आपके एम्फीबिया टेरेस्ट्रियल एनिमल में कन्वर्ट हुए। सो द नेम इंडिकेट्स एम्फी मींस बोथ एंड बिया मींस लाइफ। ऐसे एनिमल्स आपके ड्यूअल जो है लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वन बाई वन स्टीगोसिफेलिया जो कि इसका एक्सटिंक्ट क्लास है उसके ऑर्डर को देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑर्डर है आपका लेबरिंथोडोंटिया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर लेबरिंथोडोंटिया, बिकॉज दिस लेबरिंथोडोंटिया इज द प्रिमिटिव डेवोनियन टाइम के ये आपके प्रिमिटिव एम्फीबियंस हैं। ये प्रिमिटिव एम्फीबियंस आपके स्टेम ऑफ एम्फीबिया भी कहलाते हैं। प्रीवियस वीडियो में लेबरिंथोडोंटिया मींस ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया में मैंने इसको जो है काफी जोर देकर के बताया हुआ है। कभी कभी शॉर्ट आंसर में आपका लेबरिंथोडोंटिया के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। मींस आपके एक्सटिंक्ट जो एम्फीबियंस हैं वो कौन है, ठीक है, एक्सटिंक्ट क्लास कौन सी है, एक्सटिंक्ट सब क्लास, तो लेबरिंथोडोंटिया में आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो लेबरिंथोडोंटिया आर सेलेमेंडर और क्रोकोडाइल लाइक एनिमल। ये सेलेमेंडर और क्रोकोडाइल के जैसे थे। तो हम लोग बात करें कहीं ना कहीं लेबरिंथोडोंटिया की जो सिमिलरिटी है वो आपका क्रॉसोप्टेरिजियाई से मिलती थी, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपके क्रॉसोप्टेरिजियाई फिशेस आर द डायरेक्टली एंसेस्टर ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबिया लेबरिंथोडोंटिया। दिस लेबरिंथोडोंटिया इज कॉल्ड द स्टेम ऑफ एम्फीबिया, इसको हम लोग स्टेम ऑफ एम्फीबिया भी बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी सिमिलरिटीज देखी थी। तो लेबरिंथोडोंटिया का जितना भी ये सिमिलरिटी है क्रॉसोप्टेरिजियाई के साथ उसको आप यहाँ पे लिख डालिएगा। अगेन हम उसको इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे, बस केवल एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका है कि टीथ एंड डेंटाइल आर मच फोल्डेड। ठीक है, क्रॉसोप्टेरिजियाई के टीथ और लेबरिंथोडोंटिया के जो टीथ थे बहुत ज़्यादा, उसमें डेंटाइन जो स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है इन लेबरिंथोडोंटिया। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यूरिपॉस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेबरिंथोडोंटिया। नेक्स्ट हम लोग देखें आपका तो फाइलोस्पॉन्डिली। ठीक है, फाइलोस्पॉन्डिली, तो अनदर ऑर्डर इज फाइलोस्पॉन्डिली विच इज ऑल्सो सेलेमेंडर और ई लाइक। ये आपके कुछ सेलेमेंडर के जैसे थे। और बात करें तो इनका जो हेड होता था, ठीक है, हेड वो लार्ज था, फ्लैट था एंड वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री थी, दीज वर्टिब्री आर ट्यूबुलर। ठीक है, एक ट्यूब की जैसी होती थी वर्टिब्री। जबकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वर्टिब्री के बारे में बात किया तो वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने जो वर्टिब्री देखी आपकी वो कुछ सिलेंडर लाइक होती है एंड बोथ कैविटीज। ठीक है, मतलब आपकी नोटोकॉर्ड के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ठीक है, दोनों आपकी जो स्ट्रक्चर हैं वो एक हाउस में, ठीक है, इन्हें कॉमन कैविटी में पाए जाते थे। जबकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा इस तरीके से आपका जो आपके सेंट्रम है उस तरीके बीच में नोटोकॉर्ड आपका और फिर नीचे वाला सेंट्रम, ठीक है, ये कम्प्लीटली मिल करके ये सेंट्रम कहलाता है ये पार्ट आपका। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा नोटोकॉर्ड था वो डॉर्सली जो है जा रहा था, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो था वो हमारा डॉर्सली जा रहा था। दिस कैविटी इज फॉर नर्व कॉर्ड जो कि ऊपर डॉर्सल में प्रेजेंट थी और नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था।
जबकि अगर हम लोग बात करें आपका फाइलोस्पॉन्डिली में, ऑर्डर फाइलोस्पॉन्डिली में आपका ये दोनों कैविटी एक ही हाउ एक ही जो है वर्टिब्रल ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स एक ट्यूब के अंदर पाई जाती है। तो हम लोग बात करेंगे आपका फाइलोस्पॉन्डिली में जो भी हमारे इस समय के यूरोडेल्स हैं, यूरोडेला है मीन्स आपके ऐसे एम्फीबिया जिनमें पूंछ पाई जाती है। तो कहा जाता है कि हमारे जो जिसको हम लोग लीसा एम्फीबिया में पढ़ेंगे एक ऑर्डर यूरोडेला, तो हम लोग देखेंगे जो हमारे इस समय के प्रेजेंट टाइम के यूरोडेल्स हैं उनके एंसेस्टर आपके फाइलोस्पॉन्डिली ही उनके एंसेस्टर थे, ठीक है। मतलब यूरो जो भी आपके यूरोडेला हैं उनकी ओरिजिन आपका फाइलोस्पॉन्डिली से ही हुई है। तो अगेन इक्थियोस्टीजिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज प्रेजेंट इन द फाइलोस्पॉन्डिली, ठीक है, इक्थियोस्टीजिया। तो हम लोग बात करें आपका प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि इक्थियोस्टीजिया जो आपका है दैट इक्थियोस्टीजिया की सारी करेक्टरिस्टिक आपके क्रॉसोप्टेरिजियन फिशेस से मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे ऑर्डर हैं इन दोनों ऑर्डर की सिमिलरिटी हमारी डायरेक्ट जो है वो क्रॉसोप्टेरिजियाई से मतलब फिशेस से मिलती है, जिससे हमारे पास एक डायरेक्ट एविडेंस है कि फिशेस से ही हमारी एम्फीबिया की ओरिजिन हुई है। तो थर्ड ऑर्डर इज लेपिडोस्पॉन्डिली, ठीक है, थर्ड ऑर्डर इज लेपिडोस्पॉन्डिली। दीज आर द स्मॉल सेलेमेंडर और ईल लाइक एनिमल एंड वर्टिब्री इज जो है, अगर वर्टिब्री की बात करें तो वर्टिब्री इज सिलेंड्रिकल हेयर, ठीक है। लेपिडोस्पॉन्डिली में जो एनिमल्स आपके पाए जाते हैं उनकी वर्टिब्री जो होती है वो ट्यूबुलर ना होकर के सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल वर्टिब्री, सिलेंड्रिकल वर्टिब्री प्रेजेंट इन द लेपिडोस्पॉन्डिली। तो वर्टिब्री इज मेडअप ऑफ अ सिंगल पीस, और हम लोग बात करें यहाँ पे आपका जो न्यूरल आर्च होती है इनमें एंड सेंट्रम कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आपका जो ऊपर का न्यूरल आर्च और नीचे का जो सेंट्रम होता है, ठीक है, जो मिल करके सेंट्रम बनाता है, दिस न्यूरल आर्च एंड सेंट्रम इज कॉन्टिन्यूस इन लेपिडोस्पॉन्डिली। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, ये आपका ऊपर का ये स्ट्रक्चर ये न्यूरल आर्च कहलाता है और नीचे का ये स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका सेंट्रम कहलाता है, ठीक है। ये मिल करके कम्प्लीटली आपकी एक वर्टिब्रा बनाता है, ठीक। तो लाइसोरोफस इज द गुड एग्जांपल ऑफ लेपिडोस्पॉन्डिली। तो नेक्स्ट हम लोग लीसा एम्फीबिया में बात करेंगे जिसमें हमारे लिविंग एम्फीबियंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा लीसा एम्फीबिया का ऑर्डर है जिम्नोफियोना। तो द नेम इंडिकेट जिम्नो मीन्स नेकेड एंड फियोना मीन्स आपका सर्पेंट लाइक, मीन्स आपके इसमें ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो कुछ सांप के जैसे होंगे, जिनके पास जो है जो पूरी तरीके से आपका उसमें पैर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, लिम्स अब्सेंट होगी। तो लिम्स आर अब्सेंट इन जिम्नोफियोना। तो अनदर नेम ऑफ जिम्नोफियोना इज ए पोडा। तो ए मीन्स अब्सेंट, पोडा मीन्स पैर। तो ऐसा है एनिमल्स इसमें आपके आएंगे जिनके पास आपके लिम्स की अब्सेंस होती है। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फीचर हम देखें, आर लिम्बलेस ब्लाइंड इलोंगेटेड वॉर्म लाइक एनिमल, नेचर इज बरोइंग टाइप, ठीक है, बरो करके ये रहते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है टेल शॉर्ट भी इसमें हो सकती है, टेल इज शॉर्ट एंड क्लोइका इज टर्मिनल। हम लोग बात करें तो इसका जो क्लोइका होता है मीन्स ओपनिंग होती है इस तरीके से, वो टर्मिनल ओपनिंग होगी, ठीक है, वेंट्रल ना होकर के जो क्लोइका की ओपनिंग होगी वो टर्मिनल होगी। इसका जो स्कल होता है स्कल इज शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट एंड मेड अप ऑफ बोन, ठीक है, बोन से बना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें आपका जो गर्डल होगा, ठीक है, गर्डल्स आर अब्सेंट, क्योंकि मैंने आपको अभी बार बार हम बोल रहे हैं कि जो आपका पेक्टोरल मीन्स फोर लिम्बिक लेग गर्डल मीन्स हमारा जो ये हैंड है वो पेक्टोरल गर्डल की सहायता से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। ये हमारा हाथ अगर पेक्टोरल गर्डल ना हो तो वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं हो सकता, हम लोग अपने हाथ नहीं हिला सकते थे। सेम एज हमारा जो पैर है वो भी वर्टिब्रल कॉलम से जो है वो पेल्विक गर्डल से अटैच है। तो इस तरीके के गर्डल्स यहाँ पे जो है वो अब्सेंट होते हैं इन जिम्नोफियोना, क्योंकि लिम्बलेस है, ठीक है, गर्डल्स की यहाँ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग देखें तो द ऑर्डर टू इज यूरोडिला और कॉडाटा, ठीक है, इसका नाम है यूरोडेला और कॉडाटा। तो यूरो मीन्स टेल, डेला मीन्स विजिबल है। तो ऐसे एनिमल्स इसमें पाए जाएंगे आपके एम्फीबिया के जिनमें आपकी टेल विजिबल होगी, ठीक है। कॉडाटा मीन्स कॉड, मीन्स आपके टेल जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होगी वैसे एनिमल्स आपके कॉडाटा या यूरोडेला में रखे जाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक फीचर हम इसकी देखें, दीज आर द लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस, ठीक है, ये लिजर्ड लाइक होते हैं, मीन्स कुछ छिपकली के जैसे होते हैं एम्फीबियन। टेल एंड लिम्स आर टू पेयर,
हम लोग बात करें इनमें आपके जो है ये एनिमल लिजर्ड लाइक होते हैं विथ टेल और लिम्स जो है वो टू पेयर होते हैं, दो जोड़े लिम्स पाए जाते हैं। तो आपके स्किन पर कोई भी जो है वो स्केल नहीं पाया जाता, जबकि हम लोग इससे प्रीवियस ऑर्डर में बताना भूल गए हैं वहाँ पे जिम्नोप्रियोना में कुछ स्केल जो है वो स्किन पे पाए जाते हैं, बट स्केल्स आर अब्सेंट इन यूरोडिला एंड टिम्पैनम, मीन्स आपके कान में टिम्पैनम भी अब्सेंट होता है इन यूरोडिला। गिल्स यहाँ पे परमानेंटली लॉस्ट इन एडल्ट्स, तो यूरोडिला में आपके जो गिल्स होंगे वो एडल्ट में परमानेंटली लॉस हो जाएंगे, जबकि आपके लार्वल कंडीशन में जो है गिल्स पाए जाएंगे। तो इनमें जो मेल्स होता है यूरोडिला में उनमें कोई कॉपुलेटरी आर्गन नहीं पाया जाता है, और जो भी आपका लार्वा है, लार्वा आपका जो है वो एक्वेटिक होगा, उसमें गिल्स पाया जाएगा और उसका जो है वाटर में ही डेवलपमेंट होगा। यूरोडिला को हम लोगों ने 5 सब ऑर्डर में बांटा है। तो द सब ऑर्डर फर्स्ट इज, हम लोग सब ऑर्डर फर्स्ट क्रिप्टोब्रैंकोइडिया में देखें तो यहाँ पे ब्रैंकिया आपका वर्ड जो है इसमें आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका गिल्स से ही परमानेंटली रेस्पिरेशन होगा थ्रू आउट लाइफ, मीन्स ये एनिमल आपके टोटली एक्वेटिक होंगे। तो टोटली एक्वेटिक एनिमल इन क्रिप्टोब्रैंकियोडा, इनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। क्रिप्टोब्रैंकियोडा में आपके जो आईलिट्स और गिल्स होंगे वो एडल्ट में अब्सेंट होंगे, ठीक है, एडल्ट में आपकी आईलिट्स अब्सेंट होगी। आईलिट्स मीन्स ये हमारी आंख की पलके, जबकि हम लोग नेक्स्ट बात करें एम्बायोस्टोमोडिया में, तो एम्बायोस्टोमोडिया में आपके जो भी एनिमल होंगे वो टेरेस्ट्रियल होंगे और आपका जो आईलिट्स होगी वो प्रेजेंट होगी। करें जो हमारा ये एंगुलर बोन होती है, मीन्स हमारे जबड़े की बोन होती है, ये दोनों हमारे अपर और लोअर जो जॉ होंगे वो फ्यूज होंगे इन एम्बायोस्टोमोडिया में। तो वर्टिब्री इज एम्फीसीलस टाइप, एम्फीसीलस टाइप वर्टिब्री। तो आप लोग एम्फीसीलस टाइप वर्टिब्री क्या होती है वो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोग उसको देख करके अपना यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, इसीलिए हम लोग इसको एम्बायोस्टोमा बोल रहे हैं। तो इसी से आप लोग कुछ अगर कभी आ जाए एग्जाम में तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, एम्बायोस्टोमा में आपका जो वर्टिब्री होगी वो एम्फीसीलस टाइप होगी। वह फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, जबकि यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जो भी होगा कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो पाया जाएगा। तो द एग्जांपल इज एम्बायोस्टोमा, ठीक है, तो एम्बायोस्टोमा के ही नाम पर आपका एम्बायोस्टोमिडा जो है सब ऑर्डर है, ठीक है, आप याद रखिएगा एम्बायोस्टोमा का फिगर आप अपने फाइल में भी जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज, तो इसमें याद करना बहुत आसान है, एनिमल के ही नाम पर आपका जो है वो सब ऑर्डर का नाम है। नेक्स्ट इज सेलेमेंड्रोइडा, तो सेलेमेंडर से ही पता चल रहा है कि अगला जो सब ऑर्डर है आपका वो सेलेमेंडर के नाम पे है, इसका जो एग्जांपल होगा दैट इज सेलेमेंडर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वर्टिब्री जो आपकी होगी वो ओपिस्थोसीलस होगी, ओपिस्थोसीलस टाइप वर्टिब्री। आपके 3 सेट क्लोइकल ग्लैंड पाए जाएंगे सेलेमेंडर में और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, हम लोग बात करें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा अगेन इन सेलेमेंडर, ठीक है, तो मैं आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाएंगे। द नेक्स्ट ऑर्डर इज प्रोटीडिया, ठीक है, प्रोटीडिया, तो आपके एक्वेटिक और बॉटम ड्यूलर्स होते हैं एंड दीज एनिमल्स आर परमानेंटली, अगर हम बात करें तो आपके जो लार्वा होते हैं रिप्रेजेंटिंग द परमानेंट लार्वल फॉर्म, ये परमानेंटली लार्वल फॉर्म के एनिमल जो है प्रोटीडिया में पाए जाते हैं एंड विदाउट आईलिड, और इसमें आपकी जो है आईलिड नहीं पाई जाती है इन एनिमल्स में। एडल्ट की बात करें तो इनके एडल्ट में 3 पेयर जो है वो गिल्स पाए जाते हैं और 2 पेयर गिल्स स्लिट्स पाई जाती है इन एडल्ट प्रोटीडिया। एग्जांपल इज, तो प्रोटीडिया से ही प्रोटियस एग्जांपल है इसका, आप लोग लिख लीजिएगा, बुक से भी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखिएगा। द नेक्स्ट सब ऑर्डर इज ऑर्डर 5 आपका मीनेट्स, तो यहाँ पे भी आपके परमानेंटली लार्वल फॉर्म होते हैं, ठीक है, परमानेंटली लार्वल फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉटम ड्यूलर्स एनिमल होते हैं, इनके जो फोरलिम्ब होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, इनमें हाइंड लिम्ब जो है वो नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपके 3 पेयर एक्सटर्नल गिल पाया जाएगा, नो आईलिट्स, ठीक है, कोई आईलिट्स नहीं पाई जाएगी, कोई भी क्लोएका आपका मीनट्स के एनिमल में नहीं पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेरीन, ठीक है, विच ईल भी बोलते हैं, तो ये भी आपका फाइल में बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल होता है जिसको हम बनाते हैं फाइल में अपने। द नेक्स्ट ऑर्डर टेल, तो इसमें आपके जो टेल लेस एनिमल होते हैं, ठीक है, टेल अब्सेंट इन एन्यूरेंस, तो जितने भी आपके मेढक वगैरह पाए जाते हैं वो आपके एन्यूरेंस में ही आते हैं। आर द स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया, एडल्ट्स में टेल की अब्सेंस होगी। हाइंड लिम्ब, जो आपके पीछे के हाइंड लिम्ब होंगे वो लीपिंग मीन्स कूदने के लिए जो है आपके पूरी तरीके से अडॉप्टेड हो चुके होंगे, ठीक है।
और स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। ठीक, इन एनिमल्स में आपके आईलिड्स पाए जाते हैं और टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, मीन्स आपके ईयर ड्रम की कवरिंग जो है, टिम्पैनम जो है वो प्रेजेंट होती है इन एन्यूरन्स। ये एनिमल आपके स्केललेस होते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो होती है उनकी बोनी होती है, मीन्स जो हाइंड लिंब होते हैं वो गर्डल्स जो है आपके गर्डल इनमें बोनी पाए जाते हैं। जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा वो हमेशा एक्सटर्नल होगा। और एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो एन्यूरन्स होंगे उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी, कोई भी नियोटिनी जो है वो एन्यूरन्स में अब्सेंट होती है। जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस सब ऑर्डर में देखा कि हमारे जो परमानेंट लार्वल फॉर्म थे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको कि नियोटिनी क्या होता है या पेडोजेनेसिस क्या होता है। तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जब आपके जो लार्वल कंडीशन होते हैं, लार्वा जो है आपका एडल्ट में कन्वर्ट ना होने पाए, ठीक है, या आपके लार्वा में ही जो है वो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक सेक्सुअल जो फीचर्स हैं वो डेवलप हो जाएं, तो उसको हम लोग पेडोजेनेसिस और नियोटिनी कहते हैं। तो आपका नियोटिनी इज टोटली अब्सेंट इन एन्यूरन्स। एन्यूरन में जो मेटामॉर्फोसिस होती है, मीन्स लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, वो कंप्लीट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ऑर्डर्स। पहला आपका है एम्फियोसिला, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो वर्टिब्री पाई जाएगी वो एम्फीसीलस टाइप पाई जाएगी। तो वर्टिब्री वाले सेक्शन से आप लोग देख लीजिएगा कि एम्फीसीलस टाइप वर्टिब्री क्या होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है आपका एम्फीसीलस में, और यहाँ पे 2 फ्री रिब्स जो है पाई जाती है। सब ऑर्डर इज ओपिस्टोसीलस, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो वर्टिब्री होगी वो आपकी ओपिस्टोसीलस टाइप ओपिस्टोसीला, तो इसमें जो आपकी वर्टिब्री होगी वो ओपिस्टोसीलस टाइप वर्टिब्री पाई जाएगी। कि रिब्स होंगी वो भी रिब्स आपकी फ्री होंगी, ठीक है। रिब्स फ्री का मतलब जो है वो आकर के हमारी जैसे रिब्स हैं ये आकर के स्टर्नम में मिलती हैं बीच में, तो यहाँ पे जो आपकी रिब्स होंगी वो फ्री होंगी, ठीक है। और जो स्कैपुला मीन्स दिस बोन इज कॉल्ड स्कैपुला, जो हैंड्स है वो स्कैपुला इसमें ओपिस्टोसीलस में जो है वो स्मॉल होता है, ठीक। तो द एग्जाम्पल इज एलाइटिस, ये भी एक तरह का टोड होता है, कुछ मेढक के जैसे होते हैं बड़े स्ट्रक्चर के, वो आपके टोड कहलाते हैं। द नेक्स्ट इज एनमोसीला, इसमें जो आपकी वर्टिब्री होगी या तो आपकी प्रोसीलस टाइप होगी या आपकी जो है एम्फीसीलस टाइप होगी, ठीक है, एम्फीसीलस टाइप। द वर्टिब्री इज प्रोसीलस और एम्फीसीलस टाइप, एम्फीसीलस टाइप। ये रिब्स अब्सेंट होती हैं इन एनमोसीला में, इनमें जो है अपर जॉ में जो है वो टीथ पाया जाता है। द नेक्स्ट इज प्रोसीला, तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोसीला में जो आपकी वर्टिब्री होगी, वर्टिब्री इज प्रोसीलस टाइप, यहाँ पे आपका कोई भी फ्री रिब्स नहीं पाई जाएंगी, ठीक है, नो फ्री रिब्स प्रेजेंट इन द प्रोसीलस टाइप। गुड एग्जाम्पल इज हाइला, मीन्स फ्री ट्री में चढ़ने वाले जो फ्रॉग होते हैं, एंड बूफो आपका कॉमन टोड। तो ये दोनों फिगर हम लोग अपनी फाइल में बनाते हैं। द लास्ट इज डिप्लोसीला, तो कॉमन आपके जितने भी डिप्लोसीलस टाइप में आपके कॉमन जो है फ्रॉग आते हैं जो हमें कॉमनली दिखते हैं। तो इसमें जो आपके वर्टिब्रा होते हैं वो प्रोसीलस टाइप होते हैं। एट्थ वर्टिब्रा जो इसका होता है वो एम्फीसीलस टाइप होता है। 9th वर्टिब्रा जो होता है उसमें वो एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है इन जो है डिप्लोसीलिया में। जो पेक्टोरल गर्डिल होता है वो जो है फ्यूज होता है विद स्टर्नम। पेक्टोरल गर्डिल इन फ्रॉग में मीन्स आप सपोज करिए ये हमारा दिस इज पेक्टोरल गर्डिल, और हमारा पेक्टोरल गर्डिल जो है स्कैपुला के जो है वो डायरेक्ट हमारा जो है जुड़ा हुआ है स्कैपुला हड्डी की सहायता से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से। बट यहाँ पे रिब्स अब्सेंट होते हैं आपका डिप्लोसीलस टाइप में, मीन्स कॉमन फ्रॉग में, और आपका जो पेक्टोरल गर्डिल होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है स्टर्नम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो आगे वाली हड्डी होती है और ये रिब्स हमारे इस तरह घूम घूम के लगे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। बट स्टर्नम में डायरेक्ट जो हमारा हैंड जो होता है वो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं लगा होता है, ठीक है। हम आपको जब पढ़ाएंगे तो स्टर्नम से हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला, और स्कैपुला से तब हमारा जो है वो गर्डल कनेक्टेड होता है, ठीक। तो गर्डल का जब हम लोग यहाँ पे आपको स्टर्नम गर्डल ये सब हड्डियां हम आपको यहाँ पे शो करेंगे, तो मेढक में क्या होता है कि जो आपका स्टर्नम होता है वो डायरेक्ट पेक्टोरल गर्डल से कनेक्टेड होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब भी आप लोग क्लासिफिकेशन का वीडियो पढ़ते हैं तो इट इज लिटिल बिट टफ, बट जब आप कॉमनली इसके फिगर फाइल में बनाएंगे, कॉमनली इसको बार बार जो है रिवाइज करेंगे और यूज करेंगे जो है अपनी राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, मार्क्स को अच्छे पाने के लिए, तो आपको जो है ये आपको क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी नए हों चैनल पे प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।